स्वागत कीजिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण से सम्मानित द लेजेंडरी द वन एंड द ओनली आशा भोसले दाई का। और आशा थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। मेरी समझ नहीं आ रही है कि मैं सिंगर हूँ, डांस के प्रोग्राम में क्या कर रही हूँ। मैम अगर आप इतने बढ़िया गाने गाते नहीं तो हम डांस करते किस पे? हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इसीलिए। बचपन से मैं डांस सीखना चाहती थी और माँ का एक हाथ जोरदार पीठ पे पड़ता था और फिर भूल जाते थे डांस। फिर गाने के लिए बिठा देती थी, वो गाना क्लासिकल गाओ, पिताजी के गाने गाओ, ऐसे करके मेरा डांस बंद हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं डांस करती हूँ, हर गाने पे अंदर ही अंदर मैं डांस करती हूँ। क्या बात है। और मैं नहीं डांस करूँ तो आर्टिस्ट कैसे डांस करेंगे उसके? क्या बात है। इसलिए मैं अंदर से डांसर हूँ और मुझे डांस बहुत पसंद है। क्या बात है। मैं हर शो डांस का जब आता है, सुपर डांसर है, ये डांसर है, हाँ। मैं डांस प्रोग्राम देखती हूँ। क्या बात है। आइए ताई, मैं चाहूंगा आराम से आप बैठे। हाँ जी, हाँ। और शो की शुरुआत की जाए जोरदार तालियां पर आशा ताई। मैं बहुत खुश हूँ आज आशा ताई हमारे परिवार के साथ जुड़ी हैं। हमेशा आप हर सिंगिंग शो पे जाती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं, आज आप पहली बार डांस के मंच पे आई हैं। आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं इस मंच पर आपके साथ खड़ी रह सकती हूँ एंड आई कैन ब्रीथ द सेम एयर एज यू आशा ताई। थैंक यू। आपको बताती हूँ, मैं क्लासिकल से लेके जी कथक से लेके हिप हॉप तक मुझे सब डांस अच्छे लगते हैं। वाओ, वाओ। मैं आपको बताती हूँ, मैं याद रहता नहीं मेरे को बिरजू महाराज पहले, हाँ करेक्ट, सितारा देवी करेक्ट, सितारा देवी, गोपी कृष्ण जी करेक्ट, रोशन आरा बेगम करेक्ट, याद है आपको, हाँ। फ्रेड एस्टर, फ्रेड एस्टर, ओ वाओ, जीन केली, जीन केली, जीन केली, फ्रेड एस्टर, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन, मैं तो उनसे मिली भी हूँ, हाँ माइकल सर, करेक्ट करेक्ट, फोटो भी देख, हाँ। फिर ऋतिक रोशन, गुड चॉइस, गुड चॉइस। वो जो एक्शन है उनका, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। वो ओ तो ऐसा कर किया उन्होंने। आज का एपिसोड मजा आएगा, मजा आएगा। इस एनर्जी में जो आशा ताई की एनर्जी जुड़ी है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। लेट्स गो। अपेक्षा, मैंने माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, रेखा, उनके लिए गाने गाए हैं और क्लासिकल डांस मुझे बहुत पसंद है। मैं जो गाती हूँ उस पर आप थोड़ा सा, आपका एक्सप्रेशन कैसे आता है, अरे वाह,
वो मैं ये करना चाहती हूँ. क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. दिस इज अ टास्क. माय गॉड, दिस इज द अल्टीमेट टेस्ट. अपेक्षा अल्टीमेट टेस्ट. क्या बात. दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए. दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए. बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए. बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए. बस. क्या बात है. इधर आओ. रोंगटे खड़े हो गए हमारे. पापा मुझे एक बात बताएं, मतलब कितना बड़ा दिन है. आशा ताई ने गाया और आपकी बिटिया जो है इन्होंने परफॉर्म किया. क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आशा जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. मैंने आपके बहुत सारे गाने सुने हैं. एक मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को. नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी. कहीं बदल ना जाना सनम. मैं एक शब्द कहना चाहूँगा. आज आप मेरे डॉटर के लिए जो गाना गाया है, मेरे लिए और पूरे सिंधी समाज के लिए प्राउड मोमेंट है. क्या बात. थैंक यू सो मच. क्या बात है. एक बार जोरदार तालियां ताई के लिए. मेरा सवाल ताई से है. ताई, आपने जितने गाने गाए हैं ऐसा लगता है वो उस आर्टिस्ट के लिए ही बना था. क्या होता है कि हमारे पास जब गाना आता है वो लिखाते हैं हमको जी, तो लिखने के बाद हमें मतलब समझ आ जाता है कि ये प्यार का है, डांस का है, किसका है, क्या है, सब गाना. तो वो गाना पढ़ने के बाद हम 5-6 बार गाना पढ़ लेते हैं, फिर वो गाना पढ़ने से उसका मतलब समझ लेते हैं. अब मैं सोचती हूँ कि आपके आर्टिस्ट कहाँ क्या है, कौन से जगह पर गाना गा रही हैं. जैसे हेलन का गाना आया अभी, तो मैंने हेलन जी बहुत अच्छा प्यार करती थी मेरे से जी. और मुझे कहती थी, आशा जी ये मेरा गाना है. हाँ मैं आप आइए मैं आपके लिए चॉकलेट लाऊंगी. गाना था प्रिंस अकेले हो. ओ वाओ. आपने क्या अभी तक शादी नहीं की, प्यार भी नहीं किया? oh my God. कर ले प्यार, कर ले के दिन है यही. अरे चोरी से देखे डा 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 डा. तो ये हाय प्रिंस ये बोलना उन्हीं के मुंह से अच्छा लगता था. वो गाती है ना, तो आप पिक्चर देखेंगे तो आपसे लगेगा कि वही गा रही है. correct, correct, मैं नहीं गा रही. ऐसे होता है, हम उसके जगह पे चले जाते हैं. वैसा डांस अंदर होता है या वैसे सैडनेस अंदर होती है, आंख से पानी निकलता है वैसे भी होता है. अभी ये मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है.
बन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं। ओ और तुम्हारे खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो मेरा वो सामान लौटा दो। ये भी गाते हैं और ये भी गाने गाते हैं कि आ जा ऐसा भी करते हैं। तो उस जगह पे हम चले जाते हैं, उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, उसका चेहरा सामने लाते हैं। और रेखा है, ओ माय गॉड, वो मधुबाला है, ओ श्रीदेवी है, ओ ऐसे करके हम उन जिनके गाने गाते थे मधुबाला के। अच्छा जी मैं हारी, चलो माने जाओ ना, मतलब अच्छा वो हंसती थी कैसे, करेक्ट, उसका हंसना बहुत सुंदर हाँ। था तो वो हम याद करते। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, तो क्या एक्सप्रेशन ऐसा देना चाहिए कि जो गाना कहता क्या है हाँ। तो वो हम करते थे, हर गाना फ्लेवर अलग होता है उसका हाँ, अलग अंदाज अलग होता है। सुपर्ब यार, थैंक यू ताई। इन्ना समाचार मम्मा, सौख्य माँ, मैं बिग फैन ऑफ यूज, पूरा गाना मैं सुना, मेरा पापा बहुत बड़ा फैन है और मेरा फेवरेट ये गाने हैं, अभी ना जाओ छोड़ कर। अरे वाह, तो होगा, पहली बार इसकी आवाज सुन रही हूँ मैं। I love you so much। दो लाइन गाई है फिर आशा ताई बताएंगी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अमरूद का गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि इधर आओ, 500 रुपए तुम्हारे पास। मेरा एक सवाल, हाँ बोलिए ना। तो आप अभी ये जो प्यार वाली बातें और अंदाज, लेकिन आपका गुस्सा बहुत तेज है, आप हेड स्ट्रॉन्ग भी हैं और बर्मनदा भी हेड स्ट्रॉन्ग थे, आपका कभी झगड़ा होता था? नहीं, मैं कभी थी बहुत गुस्से वाली, अभी नहीं गुस्सा करती, दुनिया देखने के बाद नहीं करती। गुस्सा एक बार हुआ था और मैं 8-15 दिन मैं अपने घर, मतलब पेडर रोड पे मैं जाके, मेरे बच्चे हैं अपने वहाँ पर, तो उनका घर छोड़ के मैं बच्चों के पास चली गई। 15 दिन के बाद ऐसे गाने के लिए मिलेगा, मतलब ये बिजनेस हमारा, मतलब मैं सिंगर और वो म्यूजिक डायरेक्टर, वैसे मिले तो हम लोग मुँह चढ़ा के बैठे हुए थे दोनों। हाँ बोलो, क्या गाना गाना है? हाँ लिखाओ, मजरू साहब लिखा रहे थे गाना। हाँ देखो क्या, उतने में एक रिकॉर्ड बजा मतलब रेडियो में, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हमने एक दूसरे को देखा और हम लोग भूल गए, हम मेरे आंख से आंसू, उसके आंख से आंसू,
बोले क्यों हम झगड़ा करते हैं? मैंने क्यों करते हैं, खाम खाम कुछ नयापन चाहिए इसलिए शायद झगड़ा करते हैं हम लोग। आज ये गाने का मीनिंग मेरे लिए और भी गहरा हो गया है। म्यूजिक डायरेक्टर देखिए टू होते हैं, दो होते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं तो दोनों के नाम खत्म हो जाते हैं। करेक्ट। वैसे सब जीवन ऐसा ही है, जो मिले हुए लोग होते बिछड़ने नहीं। क्या बात कही है यार, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए ताई के लिए। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच ताई। इस गाने में आवाज मेरे को चेंज करना पड़ा था। क्यों क्यों क्यों? म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि ये गाना लड़की को ऐसे करना है वैसे करना है, लोग उसको पकड़ रहे हैं वो, तुम डर गई हो तो गाने में ऐसा करना पड़ा। फिर बोले खतुबा के लिए क्या करेंगे, गाना कैसा करूंगी? तो मैंने बोला, सोचा मैंने कि वो लोग मिडिल ईस्ट के लोग कैसे गाते हैं, अच्छा वो आवाज कैसे लाना है। तो कर ऐसे करके मैंने गाया। तो ये मेरा जो आवाज था खतुबा खतुबा लावनी लगती थी मराठी लावनी, तो इसको कैसे बनाना उस स्टाइल का। ये वो स्टाइल ऐसा करते, तो वैसी आवाज निकालने की कोशिश की। क्या बात है ताई, ओ आशा ताई से एक सवाल पूछना चाह रहा था। आशा ताई, आपने कहा आप डांसर बनना चाहती थी जी, तो क्यों, मतलब किस चीज ने रोका या किसने रोका और क्यों नहीं बनी आप डांसर भी? माँ ने रोका, फिर परिस्थिति ने रोका। हाँ। लेकिन मुझे कथक सीखना था। अच्छा। और 80 साल की जब मैं हुई तो स्टेज पे दीदी का अवार्ड मुझे मिला। हाँ। और दीदी मेरे सामने बैठी थी जैसे एकदम। हाँ। दो हाथ की दूरी पे। मैंने कहा दीदी मैं अभी डांस कर सकती हूँ क्या? मेरा प्रोग्राम चल रहा था। तो उसने कहा तू कितने साल की है आशा? मैंने बोला 80। तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा ताई, आज आप डांस शो में हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टेप ना हो यार? अग्रीड। म्यूजिक। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। हमारा मान रखने के लिए, हमारी बात रखने के लिए और ये डांस करने के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशा ताई के लिए। थैंक यू सो मच ताई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
बोल संगती ना माझा तू येशील काय, बोल संगती ना माझा तू येशील काय, अर संगती ना तुझा मी येणार नाय, अर संगती ना तुझा मी येणार नाय, तुझ्या रूपाला कशी मी भुलणार नाय, घुम संगती तुझा मी येणार नाय, घुम संगती ना तुझा मी येणार नाय. थैंक यू सो मच आशा ताई. एंड क्या बात है आजी, आप तो कमाल डांस करते हैं, एक बार आजी के लिए जोरदार तालियां. आपका और लता दीदी का रिलेशन कैसा रहा बचपन से? आप लोग बहुत मस्ती करते थे, झगड़ती थी, क्या होता था, हम थोड़ा जानना चाहते हैं. बचपन में मैं तीसरा नंबर हूँ आजी, दीदी मीना फिर आशा फिर उषा, चार बहने हम भाई हृदयनाथ. तो मैं एकदम मोटी थी. अच्छा. अभी हूँ, उस वक्त और छोटी सी थी मैं, और दीदी मेरे को लेके दौड़ती थी. अच्छा. हम लोगों को एक बहुत अच्छा होता था, वो भागती थी तो हम उसकी लंबी चोटी पकड़ लेते थे, वो कुछ नहीं कर सकती थी. वो कुछ ना कुछ करके भाग जाती थी. हम लोग खेलते थे घर घर करके. अच्छा. तो कुछ लड्डू बनाते थे, मूंगफली के लड्डू, चावल कुछ. तो वो बोलती थी, हाँ तुम लोग सब बैठे हो, तुम सो जाओ, रात को चोर आएगा, फिर तुम उठना. और चोर आएगा बोल के सब हमारा खाना खा जाती थी. और हमको बोलती थी चोर चोरी करके चला गया. तो हम लोग उसको मारते थे, मतलब मारते थे यानी बहुत पीछे पड़ते. बड़े होने के बाद अपने अपनी लाइफ चली गई, दूर हो गए. सब लड़कियां होती है जैसे भाई बहन से दूर, वैसे मैं दूर चली गई. फिर भी अभी तक प्यार वैसा ही है. मिलना जुलना भी है और बस भगवान उसको मेरी भी उम्र दे. आशा ताई, आज एक बहुत ही खास शख्स हैं, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा और हम चाहते हैं आप वो मैसेज देखें. हैव अ लुक. आशा जी, आपको प्रणाम करता हूं. मैं अमिताभ बच्चन हूं और सबसे पहले तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म उद्योग की तरफ से हम सबको बताना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में 75 साल पूरे करने के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं. आने वाले 75 वर्ष भी आप इसी तरह हमारे जीवन को अपने सुरों से सजाती रहें, ये हम सब की कामना है और प्रार्थना भी. अच्छा जी, आप में ईश्वरीय गुण है, क्योंकि जिसने सुरों को साध लिया मानो उसने ईश्वर को साध लिया. आपके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं आपके साथ. क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है. बहुत बोलती हूँ लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो रही है. भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे और मेरी तरफ से बहुत थैंक यू बोली है उनको. हमारे सारे कंटेस्टेंट्स और कोरियोग्राफर्स ने आपके लिए कुछ तैयार किया है. मैं चाहता हूँ आ जाओ, कम ऑन. आठ सितंबर 1933, संगीत के समंदर में उठी सबसे सुरीली लहरों में से एक लहर, जब सांगली महाराष्ट्र में संगीतकार दीनानाथ जी और उनकी पत्नी शेवंती जी की गोद में खिलखिलाई आशा मंगेशकर. और आने वाले 75 सालों तक जिन्होंने अपनी आवाज से दुनिया को अपना बनाया, खुद संगीत जिनके नाम पे इतराया, गुनगुनाती धड़कनों पर सिनेमा के पर्दे पर जिनके सुरों ने किया राज, आज उनके लिए इंडियाज बेस्ट डांसर का परिवार करना चाहता है
कुछ खास।
आज सुरों की आशा ताल के मंच पर आई है, आज पैरों की धड़कन संगीत की लेजेंड को देख मुस्कुराई है। कैसे शुक्रिया कहें, कैसे बयां करें एहसास, आपका आशीर्वाद मिला है आज, आज बेस्ट के मंच ने लिखा है इतिहास। मैं क्या कहूँ तुम लोगों से, सब मेरे पोते के पोते के बड़े हो रहे हैं और मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों को कि तुम दुनिया में खूब खूब बड़े बनो, खूब बड़े बनो, यही मेरा। इतनी खुशी मुझे कभी भी नहीं मिली, मुझे लगता है कि अभी बंद ही नहीं होना चाहिए ये शो। यहाँ पे हमारी पूरी जो टीम है, अब सब लोग तो आ नहीं सकते आपका धन्यवाद देने, तो मैं इस शो का सूत्रधार होने के नाते सबकी तरफ से आपको फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।